नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, भारत नेपाल सीमा में धारचूला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल कल यानी रविवार को 4 घंटे पुल की मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा। इस दौरान पुल से आवाजाही नहीं हो पाएगी। लोक निर्माण विभाग अस्कोट के सहायक अभियंता ने SDM को पत्र देकर पुल की मरम्मत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुल को सुबह 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक बंद करने की अनुमति मांगी गई थी। विभाग के अनुसार पुल के चक प्लेट और नट बोल्ट की मरम्मत होनी है। SDM द्वारा रविवार की सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक पुल बंद रहने की अनुमति दी गई है। इस दौरान भारत और नेपाल के मध्य आवाजाही बंद रहेगी। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा युवाओं के लिए 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण का शुभारंभ रेड क्रॉस जिला चेयरमैन MCU भगवान बिष्ट व डॉक्टर आशु अवस्थी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान चेयरमैन पंत ने प्रशिक्षण को लेकर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर आशु अवस्थी ने आपात स्थिति में किसी बीमार को प्राथमिक चिकित्सा देने के संबंध में जानकारी दी। सचिव भगवान सिंह ने रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे कार्यों आदि के बारे में बताया। इस अवसर पर सेवक मेस ठुकुराठी नवीनकार की राज सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुंजारी के CSA परिसर में तैयार 2 वातानुकूलित वार्डों का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया द्वारा फीता काटकर किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला योजना के द्वारा 4.35 लाख की लागत से 2 वातानुकूलित वार्ड बनाया गया है। उद्घाटन अवसर पर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा करने वाले स्वास्थ्य कर्मी को पुरस्कार देकर सम्मानित किए जाने की बात कही। बताया कि इनके चयन के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन कर विकास खंड के 14 गांवों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मॉडल गांव बनाने के लिए योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुंदन कुमार, व्यापार संघ अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णा सिंह खरसवाड़, महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति आदि मौजूद थे। पड़ोसी देश नेपाल के भदेली जिले के गढ़तोला सैनी गांव में एक महिला की चारा काटने के दौरान पेड़ से गिरकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गढ़तोला सैनी गांव निवासी हरुली देवी बोरा के घर के निकट अपनी बकरियों के लिए चारा काटने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी। इस दौरान अचानक गिर गई और पत्थरों पर गिरने से गंभीर घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, पर महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 46 वर्षीय मृतिका के 3 बच्चे हैं। महिला की मौत से परिजन सदमे में हैं। पिथौरागढ़ के महर्षि विद्या मंदिर में तैनात एक महिला सफाई कर्मी और उसके दिव्यांग पुत्र को काम से हटाए जाने और लंबित वेतन का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। मामले को लेकर देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दर्शन लाल के नेतृत्व में सदस्यों ने उपजिलाधिकारी से वार्ता की। वार्ता के बाद अध्यक्ष दर्शन लाल ने बताया कि उपजिलाधिकारी से मिले आश्वासन पर हड़ताल का फैसला फिलहाल वापस ले लिया गया है। मामले का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो फिर से सफाई कर्मचारी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ में जिला क्रीडाधिकारी अनूप बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित बिष्ट खेल विभाग में कई पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। इससे पूर्व वह पौड़ी जनपद में प्रभारी जिला क्रीडा अधिकारी के रूप में तैनात थे। पिथौरागढ़ जनपद में उन्हें क्रीडा अधिकारी पद पर तैनाती दी गई है।
उनके द्वारा प्रशिक्षित कई एथलीट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं। उन्हें वर्ष 2017 में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने को अपनी प्राथमिकता बताया। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पिथौरागढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत दो नई शाखाएं बीण एवं शाखा पाटी जिला चंपावत खोली गई हैं। आज शनिवार को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हरिहर पटनायक द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान बीण शाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैंक की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ से क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक शर्मा, गजेंद्र सिंह मप्पाल, प्रकाश सिंह करायत, इंद्र सिंह मटियानी, शुभम शुक्ला, विवेकानंद जोशी, तरुण पंत, आशुतोष शर्मा, विजय सिंह भंडारी तथा शाखा प्रबंधक बीण गौरव थापा और कार्यालय सहायक अमन पाल आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की प्रदेश भर में कुल 290 शाखाएं हो गई हैं एवं पिथौरागढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 38 शाखाओं से बढ़कर अब कुल 40 शाखाएं हो गई हैं। हल्द्वानी में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सीमांत जनपद के युवा नितिन राठौर के मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं बनने पर जिले में खुशी की लहर है। उनकी इस उपलब्धि पर जनपद वासियों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। नितिन दूसरी बार मिस्टर कुमाऊं बने हैं। शानदार प्रदर्शन के आधार पर आगामी 16 और 17 मार्च को लुधियाना में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कोच व बुल्स जिम के संचालन दीवान सिंह खोलिया आदि को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज बिष्ट, सचिव विक्रम गिरी सहित अन्य ने शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस शासन काल में आम जनता के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने हसीये में डाल दिया है। भाजपा सरकार केवल झूठे वादे करने तक ही सीमित है और आम आदमी की उपेक्षा कर रही है। यह बात पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि मनमोहन सरकार में उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने पर सैद्धांतिक सहमति हो गई थी, लेकिन वर्तमान सांसद ने इस मामले को कभी आगे नहीं बढ़ाया। ग्रीन बोनस से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बेहतर होती और कई विकास कार्य होते। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और टनकपुर जौलजीबी सड़क के मामले अटके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर योजना लागू कर उत्तराखंड के युवाओं के हितों से बड़ा खिलवाड़ किया गया है। कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर पुनः विश्वास व्यक्त किया। 10 साल और यहाँ के भी सांसद के 10 साल इस उत्तराखंड सहित इस संसदीय क्षेत्र की प्रगति को रोकने वाले कांग्रेस ने, श्रीमती गांधी ने उत्तराखंड सहित तमाम पर्वतीय हिमालयी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। मोदी ने 10 साल में हमको कुछ नहीं दिया, ये विशेष राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया। और 2016 में जो मनमोहन सिंह के जी के द्वारा ग्रीन बोनस की मांग को सिद्धांत स्वीकृत किया था, उसको भी कूड़ेदान में डाल दिया। हमारे वाहन को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रहे वाहन से टकराने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक UPCL में आउटसोर्स लाइनमैन का कार्य करने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस एक युवक हामिद देहरादून के नया गांव की ओर अपनी बाइक से जा रहा था। इस दौरान उसने एक स्कूटर को ओवरटेक किया और सामने से आ रही एक पिकअप से टकरा गया। हादसे में हामिद गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकट के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटेल नगर इंस्पेक्टर कमल लुंटी ने बताया कि मृतक की पहचान हामिद निवासी तेलपुर पटेल नगर के रूप में हुई है, जिसकी अग्रिम कार्रवाई जारी थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस।
हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।